हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन मैट्रिक स्पेस एंड टुडेज टॉपिक इज कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेसेस। सो लेट अस स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट थ्योरम एंड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज ए क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। मीन्स अगर हमारे पास कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है और उसका एक क्लोज सबसेट हम लें तो वो क्लोज सबसेट जो है वो भी कॉम्पैक्ट होगा। तो लेट स्टार्ट द प्रूफ। लेट एक्स बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस एंड वाई बी इट्स क्लोज सबसेट टू प्रूव वाई इज कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए आपको पता होगा कि हमें केवल एक ही चीज़ दिखानी होती है। लेट अस वी फर्स्ट अज्यूम एन ओपन कवर एंड देन वी फाइंड द फाइनाइट सब कवर ऑफ दैट। तो इसीलिए हम यहाँ पर y का ओपन कवर ले रहे हैं। लेट c बी एन ओपन कवर। लेट c इज इक्वल टू g अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एन ओपन कवर ऑफ y, देन y इज ए सबसेट ऑफ यूनियन g अल्फा। ये कवर की कंडीशन है। बट वी नो दैट y इज क्लोज्ड। y क्लोज सबसेट हमने x का लिया है, सो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ये ओपन हो जाएगा। y कॉम्प्लीमेंट इज ओपन एंड ऊपर हमने जो c लिया था वो y को कवर कर रहा था। अगर दोनों साइड में y कॉम्प्लीमेंट के साथ में हम यूनियन ले लें तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, x। क्योंकि किसी भी स्पेस का सबसेट अगर y है देन y यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इज होल x। तो हमने क्या किया, जो ऊपर था, ऊपर ये जो हमने लिखा था कि c इज इक्वल टू कवर ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ दिस, देन यहाँ पर हमने y कॉम्प्लीमेंट से यूनियन ले लिया। तो अब ये क्या हुआ, ये x का कवर बन गया एंड y कॉम्प्लीमेंट कोमा g अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ x। बट x इज कॉम्पैक्ट, सो एवरी ओपन कवर ऑफ x मस्ट हैव ए फाइनाइट सब कवर। तो इस हिसाब से जो है इसका भी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, y कॉम्प्लीमेंट सेट को तो एज इट इज ले लेते हैं, क्योंकि ये g अल्फा वगैरह से कोई गारंटी नहीं है कि y कॉम्प्लीमेंट को ये कवर करेंगे नहीं करेंगे। इसको हमने एज इट इज ले लिया और इसमें से कुछ फाइनाइट नंबर्स छांट लिए। ऐसा आएंगे ही आएंगे क्योंकि वो जो है उसका x का कॉम्पैक्टनेस वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करना ही करना है कि हर एक ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। एंड लेट इट बी वाई कॉम्प्लीमेंट कोमा जी अल्फा आई सच दैट आई इज इक्वल टू वन टू एन विच कवर्स एक्स। सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई इज सबसेट ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एंड यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू एन जी अल्फा। वो जो फाइनाइट सब कवर था उसके मेंबर्स का यूनियन किया एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स। एंड सिंस वाई कॉम्प्लीमेंट दोनों ये एक साइड से हम हटा सकते हैं बिकॉज दे आर डिसजॉइंट सेट, y कॉम्प्लीमेंट यूनियन y ये डिसजॉइंट सेट से, तो y इज ए सबसेट ऑफ दिस। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेट थ्योरी। सो y इज ए सबसेट ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू वन टू n g अल्फा i एंड इन दिस वे वी सी दैट दिस कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सेट्स g अल्फा i फॉर्म्स ए फाइनाइट सब कवर ऑफ c एंड हेंस y इज कॉम्पैक्ट। नाउ another important property, we know that R is not complex, means usual metric space is not compact, but a closed and bounded subset of R is complex. Let's see this by an example. Let x is equal to 0, 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on be a subset of R, then x is compact since for every open cover c is equal to g alpha such that alpha belongs to index set this, x is equal to union alpha belongs to index set g alpha. तो ये हमने एक x का ओपन कवर लिया तो x को कवर करेगा ये, एंड सिंस जीरो इज ए मेंबर ऑफ x, सो देयर एग्जिस्ट at least one member of c such that 0 belongs to g alpha for alpha belongs to
इंडेक्स सेट फॉर सम अल्फा, यहाँ पर फॉर सम अल्फा हमें लिखना था, क्योंकि जीरो एक्स का एलिमेंट है और एक्स इज इक्वल टू यूनियन जी अल्फा है, तो राइट हैंड साइड में किसी एक मेंबर में जीरो जरूर आएगा। अगेन जी अल्फा इज एन ओपन सेट एंड जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, एंड ओपन सेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक ओपन स्फेयर आएगा विच इज कंटेन्ड इन जी अल्फा। यहाँ पर यूजुअल मेट्रिक स्पेस का जो सब स्पेस लिया है हमने, उसमें जो ओपन स्फेयर है वो ओपन इंटरवल की फॉर्म का होगा। सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एंड अगर ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एक मिल गया हमें, देन वी कैन फाइंड ए नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन सच दैट जीरो बिलोंग्स टू माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन विच इज अ सबसेट ऑफ माइनस वन बाई एन टू वन बाई एन विच इज अ सबसेट ऑफ जी अल्फा। इस तरह का एक नेचुरल नंबर हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 आई, देन वन अपॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, वन अपॉन 0.01 एंड दिस इज 100 एंड सो वी कैन टेक एन इज इक्वल टू 1000। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड दिस। तो ये इंटरवल एक ऐसा है जो जी अल्फा में आ रहा है। इस इंटरवल में देखो यहाँ माइनस, ऐसे समझो आप एक लाइन खींची, माइनस वन बाई एन इस किनारे पे है और प्लस वन बाई एन इधर है, तो जो माइनस वन अपॉन एन प्लस वन है वो अंदर आएगा, इधर भी वन अपॉन एन प्लस वन अंदर आएगा एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे हम डिनोमीटर को इनमें इंक्रीज करेंगे तो इंटरवल का साइज छोटा होता चला जाएगा, और इस हिसाब से क्या होगा कि बाकी के जितने भी सारे इंटरवल्स हैं वो सब जी अल्फा के अंदर आ जाने हैं। और इन दिस वे वन अपॉन वन कोमा वन अपॉन वन टू कोमा वन अपॉन वन थ्री एंड सो ऑन वन बाई एन, अगर इनको मान लें कि इनको छोड़ करके बाकी के जो पॉइंट है वन अपॉन एन प्लस वन वन अपॉन एन प्लस टू वन अपॉन एन प्लस थ्री एंड सो ऑन, बाकी के जितने पॉइंट हैं वो सारे जी अल्फा के अंदर आ जाएंगे। और ये इतने फाइनाइट हो सकता है, इतने पॉइंट बच जाएं, इट मीन्स वी कैन से दैट कि जी अल्फा कंटेन्स ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट फाइनाइट दीज। यहाँ पर ये जी की बजाय दिस इज जी अल्फा है, जी अल्फा कंटेन्स ऑल पॉइंट्स। टेकिंग वन मेंबर ऑफ सी फॉर ईच वन पॉइंट से वन अपॉन आई बिलोंग्स टू जी अल्फा, क्योंकि जो सी था हमारा उसके अंदर जी अल्फा थे और सी उसका यूनियन एक्स के इक्वल है, ये सब एक्स के पॉइंट है, तो जो वन अपॉन आई है वो भी किसी ना किसी एक मेंबर में होगा, वन अपॉन जी अल्फा आई में हो गया। इस तरह से आई इक्वल टू वन टू एन करके हमने यहाँ पर एन सेट सेलेक्ट कर लिए, है ना, राइट। तो जो एन पॉइंट्स बचे थे ये उनके लिए एन सेट्स आ गए और एक जी अल्फा इकट्ठा कर दिया हमने ये, एंड इन दिस वे एक्स इज इक्वल टू यूनियन जी अल्फा यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन जी अल्फा आई एंड सो दिस सी स्टार फॉर्म्स ए फाइनाइट सब कवर ऑफ सी, हेंस एक्स इज कॉम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन हैन बोरल थ्योरम एंड वी विल प्रूव इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर